जूम करो तो दिखा दो। नमस्ते जय हिंद दोस्तों, मेरे इस वीडियो में नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं कि किसी के घर में कोई सांप जो कि आ गया है कुछ दिन पहले, करीब भैया जो कि आधा घंटा से हमको कंटिन्यू कॉल कर रहे थे, मैं जो कि सोया हुआ था मोबाइल साइलेंट करके इसके वजह से देख नहीं सका, तो भैया मुझे गए थे घर बुलाने के लिए, मैं आया हूँ। तो चलिए उस घर में आया हूँ, ये एड्रेस पड़ रहा है सादा उखड़ा सादापल्ली, तो मैं उनसे उसका नाम आप था नाम और तो पता जितन जितन पापा तो सामने आ जाइए, तो सामने आके तो नाम बताइए, नाम और पता बताइए। जितेंद्र पासवान सरदापल्ली। सरदापल्ली ना, साहब को कितने देर पहले देखा सर? इस 4 बजे ढुका हुआ है। 4 बजे से? हाँ, शाम 4 बजे से। और साहब किस तरफ से, मतलब इस तरफ से ही आया क्या? इस तरफ से घर में, मैंने बाहर से आया है जी। हाँ, घर में से इस तरफ ढुक के इधर से आके, फिर पापा थे ऊपर में बैठे हुए, उस जगह देखिए और जो भी सांप है देखिए, जब इंसान घरों में सोते हैं बैठते हैं तो किस तरह से रात में जहरीले जीव जो कि बाहर निकलते हैं अपने भोजन के तलाश में, तो चलिए मैं इसे निकालता हूँ, उसको दिखाता हूँ, उसके बारे में कुछ बताता हूँ। डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल, हाँ डरना नहीं है। चलिए पीछे हो जाए, भागिएगा नहीं, फा रही है डरना नहीं, किंग कोबरा कुछ नहीं, डरना नहीं है। ये है रेड स्नेक, इसमें इसको इंग्लिश में रेड स्नेक कहा जाता है और हर स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं घोड़ पछाड़, कहीं कहीं राजधानी एक्सप्रेस भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत स्पीड भागता है, घोड़ा से भी तेज भागता है, इसीलिए इसको घोड़ पछाड़ कहा जाता है। और इसे बंगला में सोना ढिमला भी कहा जाता है, सोना ढिमला, बिल्कुल नॉन विनमस स्नेक होता है, ये जहरीला नहीं होता, एक तरह से इसे किसान मित्र भी बुलाया था, जिस जगह पे ये सांप रहता है वहाँ पर जहरीला सांप नहीं आता। ऐसा सांप जब भी दिखे तो आपको मारना ही है, बहुत ही फ्रेंडली है, देखिए कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। ऐसे सांपों के लेके हमारे भारत देश में बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है, सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि इसके सावन के महीना में इसमें पूछ में कांटा नुआ ऐसा कुछ आता है जिससे इंसान को मार देने से क्या होता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, आप लोग सुनने होंगे शायद, तो आप लोग देख लीजिए, देखिए है कुछ और भी जगह में बताया जाता है कि इसका पूछ में इस तरह से आँख में इस तरह से घुमाने से क्या होता है, आँख का रोशनी बढ़ता है, सुने होंगे कभी, नहीं तो नहीं सुने होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा, तो ये भी झूठ है, ये सब गलत है, ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सब क्या करता है, 365 दिन जो कि चूहा खाता है, और जिस जगह पे रहेगा तो वो क्या करेगा, 365 दिन क्या करेगा, चूहों को क्या करेगा, साफ सफाई करने का काम करता है। जिस एरिया में ये सांप रहेगा वहां पर चूहा नहीं रहेगा, जहां पर चूहा नहीं रहेगा वहां पर क्या होता है, जहरीले सांप है, जहरीले नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घरों में कैसे आए थे सांप, तो चूहा जहां पर कचरा रहेगा वहां पर चूहा होगा, जहां पर चूहा रहता है तो वो अंदर और बाहर करता है और वो एक प्रकार का गंध छोड़ता है। सांप क्या करता है, जो हर सेकेंड में वो जो जीभ दिखे बाहर निकाल देना इस तरह से, तो वो क्या, वो रेडिएशन का काम करता है,
उसके माध्यम से पता करता है कि मेरा भोजन कहाँ है, शिकार कहाँ है। तब जब चूहा अंदर से बाहर से अंदर आता है, उसको गंध छोड़ने लग जाता है, उसके माध्यम से क्या करता है, सांप घरों में आके प्रवेश करता है। और सांप कभी भी जल्दी इंसान को बाइट नहीं करता है, काटता नहीं है। जब इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है या गलती से कोई पेड़ चला जाता है, तब वो अपने बचाव में क्या करता है, इंसान को बाइट करता है। तो जब ऐसा कोई सांप देखे तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप दूरी बना ले। अगर आपको सांप के बारे में पता नहीं है कुछ, तो आप दूरी बना ले, उस पर ध्यान रखें कंटिन्यू कि कब कहाँ पर है सांप, उसके बाद जैसा होगा मात्र एक ही उपाय है इंसानों का, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्गापुर यहाँ से 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर में है। हेल्थ सेंटर में आप जाके एंटीमेनेट ले सकते हैं, वो काम नहीं करेगा, वो आपको जिला सदर हॉस्पिटल में मिलता है वो एंटीमेनेट। तो जब भी कोई सांप बाइट करे तो आपको जज नहीं करना है सांप जहरीला है या नहीं है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना है। वहाँ पर हमारे सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वहाँ एंटीमेनेट जो की दिया जाता है फ्री में, नहीं कुछ नहीं करेगा, अगर काटने वाला रहता तो बाइट करता, लंबाई लगभग होगा कम से कम 4 से 5 फुट के आस पास, 4 से 5 फुट। डर गया भाई, डरा हुआ तीन बार से। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ इसी तरह से जीवन को बजाते हुए नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट, चलिए।